हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6 मंथ के करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश के, और ये सारे के सारे आपको MCQs और वन लाइनर्स की फॉर्म में मिलेंगे। इसमें हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि आप सब लोग वीकली करंट अफेयर्स देखते हो। वीकली करंट अफेयर में हम हिमाचल के करंट अफेयर्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो अब इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि फटाफट से अपना क्विक रिविज़न करेंगे ताकि आप लोगों का भी रिवीजन अच्छे से हो सके। सबसे पहला जो अपना करंट अफेयर है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के किस पार्ट में गवर्नमेंट जो है वो 1500 रुपये देगी हर एक वुमन को जिनकी एज 18 से 65 इयर्स के बीच में है। तो ये आ गया आपका स्पीति, लाहौल स्पीति में जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट 1500 रुपये देगी हर एक वुमन को जिनकी एज 18 से 65 है, लाहौल स्पीति के स्पीति एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने 2D मेटा मटेरियल एक प्रपोज किया है जो कि बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक से बचाएगा। तो ये है हमारा आईआईटी मंडी ने किस तरह का मेटा मटेरियल प्रपोज किया है कि अगर इससे जो है वो बिल्डिंग्स बनाई जाएगी तो जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो मिनिमम आएंगे, बहुत कम वाइब्रेशंस होगी अर्थक्वेक की। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसेंटली अप्रूव किए हैं 51 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को ताकि शिमला में इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम को लगाया जा सके। तो ये है आपका वर्ल्ड बैंक हमको दे रहा है 51 करोड़ रुपए की मदद। नेक्स्ट, कौन जो है नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से नए डायरेक्टर बने हैं CBI के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के? तो ये बने हैं आपके प्रवीण सूद जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पर डिस्कस किया था। अजय बंगा बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, कमेंट में बताना ज़रा मुझे कौन है। ये करंट अफेयर हमने डिस्कस किया था नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर में। नेक्स्ट, हिम डेटा पोर्टल को रिसेंटली किसने लॉन्च किया था? तो हिम डेटा पोर्टल को रिसेंटली हमारे जो चीफ मिनिस्टर है CM सुखविंदर सिंह सुखू जी ने, उन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं, आप लोग मुझे नेम कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन कौन सी है। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क लोकेटेड है? एक्चुअली ये न्यूज़ में बना हुआ था इसलिए यहाँ पे इसको डाला हुआ है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क लोकेटेड है, 4 घाटियों में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट IT पार्क विल बी बिल्ट? IT पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? IT पार्क आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ कि हमारे CSIR IHBT ने जो पालमपुर में है उन्होंने कोलैबोरेट किया है ताकि जो पाइन ट्रीज हैं स्टेट में उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या फ़र्क पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन का, उसको स्टडी किया जा सके? तो ये है आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इनके साथ CSIR IHBT ने एक MOU साइन किया है। इससे ये लोग क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश के जो पाइन ट्रीज हैं वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखेंगे। हमने पढ़ा था कि हमीरपुर में जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है उसके सराउंडिंग जो पाइन ट्रीज है वहाँ पर भी ये इस तरह के जो भी कैमराज हैं, कैमरा जिसमें जो भी सॉफ्टवेयर इक्विप्ड होंगे जो जिससे इनको पता चलेगा क्लाइमेट चेंज के बारे में, वो वहाँ पर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे शुरू किया गया है ताकि चंबा की जो रिच आर्ट और कल्चर है चंबा डिस्ट्रिक्ट का उसको प्रिजर्व किया जा सके? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको शुरू किया है। तो ये है आपका चंबियाल प्रोजेक्ट जो है वो चंबा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया है ताकि वहाँ का जो रिच आर्ट और कल्चर है उसको प्रिजर्व और प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, कथा एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसको हम यूज़ करते हैं वेरियस मेडिसिंस में, उसे किस ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो इसको ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपके खैर ट्री से। खैर ट्री जो है वो काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ये 2020 में ना एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इससे, जब सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आई हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से ट्रीज हैं मतलब जिनको 10 ईयर्स के लिए बोला है कि आप इनको काट सकते हो, ठीक है? तो खैर ट्रीज के लिए इस बार भी ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। नेक्स्ट,
हिम केयर स्कीम हैज बिन इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। हिम केयर जो स्कीम है उसको कब शुरू किया गया था, तो इस स्कीम को आपके शुरू किया गया था 2019 में। हिम केयर ये न्यूज़ में क्यों थी, यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? यस, ये न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज सीएम जो है हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने बोला है कि जो जेल के इनमेट्स हैं उन लोगों को भी इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्थ से रिलेटेड सारी सुविधाएं मिल सके। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो ये हमारे बने हैं जस्टिस MS रामचंद्र राव। नेक्स्ट, अंडर विच मिशन हिम इरा मार्केट हैज बीन ओपनड इन हिमाचल प्रदेश। किस मिशन के तहत हिम इरा मार्केट ओपन की गई है, तो यहाँ पर ये हिम युग नहीं होगा भाई, ये हिम इरा होगा। ये गूगल ट्रांसलेट थोड़ा सा गलत, मतलब ज़्यादा ही ट्रांसलेट कर लेता है कई बार। हिम इरा बाजार जो है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। ये जो हिम इरा मार्केट्स है यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलौर और धारवाड़ विच वॉज सेलेक्टेड बाई हिमूर्जा टू सेट टू सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 400 मेगावाट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ये दो जगहें हैं हिलौर और धारवाड़, हिमूर्जा ने इनको सेलेक्ट किया है ताकि दो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को जिनकी कैपेसिटी है 400 मेगावाट यहाँ पर लगाया जा सके, तो ये हैं आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में, डिस्ट्रिक्ट चंबा पांगी एरिया में है ये। 10 करोड़ इनकी टोटल कॉस्ट है और 40% की सब्सिडी लोगों को दी जाएगी, ठीक है, याद रखना इसको, पांगी एरिया में। हिमाचल गौरव अवार्डी लखेश चंद बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के गौरव पुरस्कार अवार्डी जो है लखेश चंद, ये बिलोंग करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। और जो गौरव पुरस्कार, हिमाचल गौरव पुरस्कार जिन लोगों को मिला है, अनदर लोग वो हैं SI रानी फ्रॉम राजगढ़ सिरमौर, नेमचंद ठाकुर फ्रॉम सोलन अर्की, ठीक है। हु हैज लॉन्च्ड माई CM माई प्राइड इनिशिएटिव रिसेंटली। तो ये जो माई CM माई प्राइड इनिशिएटिव है इसको हमारे CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि आप एक QR कोड को जब स्कैन करोगे तो CM के साथ आप अपनी यहाँ पर फोटो को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज फाइलिंग ऑफ खैर ट्रीज इन विच स्टेट रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट ने खैर, जो खैर के पेड़ हैं, किस स्टेट में बोला है कि आप इनको काट सकते हो, तो ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और फर्स्ट स्टेट भी हिमाचल प्रदेश ही है जहाँ पर जो खैर के ट्रीज हैं इनको काटने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है। वैसे तो जो ग्रीन ट्री हैं उनको काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त मना करता है कि भाई ग्रीन ट्रीज नहीं काटने हैं, लेकिन ये खैर के जंगलों के लिए ही, जो खैर के पेड़ हैं उनके लिए ही बेहतरी वाली चीज़ है अगर इनको काट दिया जा सके, बिकॉज ये इनकी रिजर्वेशन में हेल्प करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल फर्स्ट वेब 3 मेटावर्स इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। वेब 3 मेटावर्स इवेंट हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ बच्चों को वर्चुअल रियलिटी जैसे जो कंसेप्ट हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ है आपका, तो ये है आपका जिला सिरमौर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इथेनॉल प्लांट विल बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। इथेनॉल का जो प्लांट है वो कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद विच कंपनी हिमाचल प्रदेश हैज साइंड एन MOU फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने किस कंपनी के साथ MOU को साइन किया है, तो ये आ गई आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड। थोड़े से कंफ्यूजिंग से नाम है ये OIC के साथ भी, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, इस कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम सेकेंड टू गेट रजिस्टर्ड विद यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ रजिस्टर होने वाला जो इंडिया का सेकेंड प्रोडक्ट है वो कौन सा है, तो ये हमारी कांगड़ा टी, काफ़ी न्यूज़ में मिला था, न्यूज़ में आया हुआ था ये, इसको यूरोपियन GI टैग मिला है इस वजह से, ठीक है, जिससे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब जो कांगड़ा टी की प्रोडक्शन है वो एक तरह से इंक्रीज हो सके। और भारत का जो हमारे इंडिया का GI टैग है
वो हमारी कांगड़ा चाय को कब दिया गया था ये आप मुझे ईयर नीचे कमेंट करके बताओगे। किस ईयर में दिया गया था इसको इंडिया का जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच मीन्स द अटेंडेंस ऑफ मनरेगा वर्कर्स विल बी पुट इन द स्टेट। अच्छा, किस जरिए से जो मनरेगा वर्कर्स हैं इनकी हाजिरी लगाई जाएगी, तो इसका नाम है आपका, इस स्कीम का नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप। ठीक है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। इससे जो इस तरह के स्कैम होते हैं ना कि हाजिरी वाजिरी लग गई रजिस्टरों में और बंदे वहाँ पे है नहीं, सारे पैसे कौन खा रहा है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पे काम करवाता है, मतलब चेन में ही लोग खाते हैं वैसे तो। ठीक है, करप्शन ट्रांसपेरेंट ज़्यादा बनाने के लिए ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेरणा स्रोत अवॉर्डी रिसेंटली गिवन इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जो रिसेंटली प्रेरणा स्रोत अवॉर्डी कौन कौन से हैं इनमें, तो ये आपके सारे के सारे लोग, पद्मश्री नेकराम शर्मा, भगवान प्रेम सिंह चौहान, कैप्टन एजे सिंह, इन तीनों ही लोगों को क्या दिया है, प्रेरणा स्रोत अवार्ड दिया है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया हाउ मच बजट इज प्रपोज्ड इन द ईयर 23-24। ट्राइबल एरिया की डेवलपमेंट के लिए कितना बजट प्रपोज किया गया है, तो ये आपका किया गया है 857 करोड़ रुपए। ठीक है, 857 करोड़ रुपए। हाउ मच बजट इज प्रपोज्ड फॉर सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इन द ईयर 23-24। सोशल सिक्योरिटी के लिए कितना किया गया है, तो ये आपका किया है 2,233 करोड़ रुपए। इन विच डिस्ट्रिक्ट 76th हिमाचल डे स्टेट लेवल फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड। किस जिले में 6वां हिमाचल डे स्टेट लेवल फंक्शन जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये आपका किया गया है यहाँ पर लाहौल स्पीति में। जो हमारे करंट सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, फर्स्ट टाइम उन्होंने लाहौल स्पीति में इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया काजा में। परागपुर वेयर इंटरनेशनल लेवल गोल्फ कोर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो ये भी याद रखो कि इंटरनेशनल लेवल गोल्फ कोर्स जो है उसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो उसको स्थापित किया जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के परागपुर में। परागपुर भी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोल फ्री नंबर टू रिपोर्ट ड्रग पैडलर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। जो ड्रग पैडलर्स हैं और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, अगर आपको उसके लिए रिपोर्ट करनी है तो आप किस नंबर पे कॉल करोगे, तो ये आप कॉल करोगे 2019 में इसको लाया गया था। इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डॉपलर रडार सिस्टम विल बी एस्टेब्लिश्ड। डॉपलर रडार सिस्टम कहाँ पर लगाया जाएगा आपके, तो डॉपलर रडार सिस्टम जो है आपका लगाया जाएगा किन्नौर और लाहौल स्पीति में, बिकॉज यही जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक्सक्लूड रहते हैं, जो पहले के अपने लगाए गए हैं डॉपलर रडार सिस्टम, उससे बाहर में यही लोग रहते हैं, यही दो डिस्ट्रिक्ट आपके रहते हैं। ठीक है, पहला जो डॉपलर वेदर रडार है वो आपका लगाया गया था डिस्ट्रिक्ट शिमला में, दूसरा और जो तीसरा आपका लगाया गया था, एक तो लगाया गया था जोत इन चंबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और एक आपका लगाया गया था मुरारी देवी मंडी में। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर वाइल्ड मैरीगोल्ड विच ऑफ फॉलोइंग विल बी ग्रोन इन चंबा एरिया अंडर अरोमा मिशन। सलूनी एरिया जो है वहाँ पर वाइल्ड, सलूनी हिल्स, सलूनी एरिया, वहाँ पर वाइल्ड मैरीगोल्ड को उगाया जा रहा है। इसके बाद अब कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसे अरोमा मिशन के तहत चंबा में उगाया जाएगा, तो ये आपका आ गया यहाँ पे लेवेंडर। लेवेंडर के जो फ्लावर हैं उनको यहाँ पर ग्रो करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट टू बी बिल्ट इन नागचला मंडी हाउ मच अमाउंट इज सेंक्शनड। कितना अमाउंट सेंक्शन किया गया है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए, तो ये है आपका 5,248 करोड़ रुपए। विके लोकेशन ऐप फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट बसेस चार्जिंग स्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज इज डेवलप्ड बाय। ये जो विके लोकेशन ऐप है ये किसने डेवलप की है, तो ये आपकी डेवलप की है HRTC ने। ठीक है, विके लोकेशन ऐप।
भुंतर एयरपोर्ट वेयर डॉपलर सिस्टम वॉज सेटअप इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ऐसे भी पूछ सकते हैं किस वाले जो एयरपोर्ट में डॉपलर सिस्टम को सेटअप किया गया, लगाया गया, तो ये है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भुंतर एयरपोर्ट। हाउ मेनी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल विल बी ओपनड इन हिमाचल प्रदेश। कितने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स को ओपन किया जाएगा, तो ये है आपके 68, बिकॉज ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको किया जाएगा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नेक्स्ट है आपका हिमगंगा स्कीम के लिए कितना बजट प्रपोज किया गया है। देखो जो हिमगंगा स्कीम है ये बेसिकली मिल्क के लिए शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है ये स्कीम, कि जो मिल्क के रेट्स हैं वो जैसे 100 रुपये प्रति लीटर, इस तरह से ज़्यादा रेट से फार्मर से मिल्क लिया जाएगा ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी आय दोगुनी हो सके। तो इसके लिए कितना बजट प्रपोज किया है, तो ये किया है आपके 500 करोड़ रुपये का बजट। PGI सैटेलाइट सेंटर इज बींग सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। PGI सैटेलाइट सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है, तो ये आपके लगाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज असिस्टिंग 1,311 करोड़ रुपीज़ टू डेवलप टूरिज्म सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको ज़्यादा डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए कौन सा बैंक है जो हमें 1,311 रुपये की मदद कर रहा है, तो ये वाला जो बैंक है आपका ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। हाउ मच रुपीज़ विल बी टेक गिवन टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 to 8 डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स फॉर स्कूल ड्रेस। अब स्कूल ड्रेस के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे बच्चों को, तो ये दिए जाएंगे 600 रुपये। और अब इसके ऊपर एक और मुद्दा उठ गया है, ये मुद्दा क्या है कि भाई ये जो रुपए हैं ये तो बहुत कम है, बिकॉज अगर हम आज की बात करें 2023 की, तो जो पेरेंट्स हैं 600 रुपये में वो बच्चों की स्कूल ड्रेस को नहीं बना सकते हैं, मतलब वो 600 रुपये में ड्रेस नहीं बनेगी, महंगाई बढ़ गई है, तो ये मुद्दा इसका हो गया है। अभी तो बहुत सारे लोगों को वैसे रुपए भी मिले नहीं हैं, लेकिन साथ में ये भी हो गया है। नेक्स्ट, शोंग टोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लीटेड बाय द ईयर। जो शोंग टोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा, तो ये इसका टारगेट रखा है 2025। वैसे इनके टारगेट थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं, बिकॉज टाइम से जब काम नहीं होता है तो। नेक्स्ट, रिसेंटली इन दिल्ली हु लेड फाउंडेशन ऑफ हिमाचल निकेतन। दिल्ली में किसने हिमाचल निकेतन की फाउंडेशन रखी थी, तो ये आपके रखी थी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। हिमाचल निकेतन कहाँ पर बनाया जा रहा है, दिल्ली में, और बजट है इसका 57.72 करोड़ रुपीज़। मारी छोटी मारी शान कैंपेन इज बिंग रन इन विच डिस्ट्रिक्ट। मारी छोटी मारी शान कैंपेन जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में रन किया जा रहा है, इसके अंतर्गत एक्चुअली इसको ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है शिमला में। नन्हे चिन्ह जिसमें बेटियों के पाँव की जो फ्रेम है वो बना के रख दी जाएगी, ये भी एक इसी के अंतर्गत कैंपेन चलाया जा रहा है। कौन सी एजेंसी है जो हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको भी बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए शुरू किया गया है, और ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक है ये हेल्प कर रहा है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फंडिंग में। कौन से ऐसे गवर्नर हैं जो कांगड़ा में आए थे 18th century में, और इन्होंने एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक कुआं बनाया था, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। व्हेन वाज थांगी फाउंड इन चंबा इंक्लूडेड अंडर द हॉर्टिकल्चर मिशन। थांगी जो है बेसिकली एक तरह का ड्राई फ्रूट ही इसको चंबा में मानते हैं, मेवे जैसे मानते हैं थांगी को, थांगी या थांगी, तो इसको हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत कब लाया गया था, 2003 में। जंगलों में बेसिकली ये मिलता है, वाइल्ड मेवे जो होते हैं, वाइल्ड ड्राई फ्रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज वॉज सीन फर्स्ट टाइम इन पोंग डैम। पोंग डैम में कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसको सबसे पहले देखा गया था, तो ये है आपकी लॉन्ग टेल्ड डक। ये नॉर्दर्न पिनटेल भी थे न्यूज में, बिकॉज ये नॉर्दर्न पिनटेल सबसे ज्यादा देखे गए थे।
कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें जो क्लास वन ऑफिसर्स हैं इनको एटलीस्ट वन आंगनबाड़ी सेंटर को अडॉप्ट करना है, किस स्कीम के अंतर्गत? ये है आपकी मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के अंतर्गत किस लिए शुरू किया गया है? ताकि जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण को खत्म किया जा सके। तो ये जो क्लास वन ऑफिसर्स हैं इनका काम भी यही रहेगा कि जिस एरिया में जहाँ पर इन्होंने ये आंगनबाड़ी सेंटर को अडॉप्ट किया है वहाँ पर ये पता लगाएंगे भाई कितने बच्चे हैं जिनको कुपोषण हो रखा है और मेथड निकालेंगे कैसे हम इनके कुपोषण को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को स्केल किया था लुआंचड़ी पहन करके। लुआंचड़ी क्या है? आपकी गद्दी ड्रेस है। कौन है ये? तो ये है आपकी अंजलि शर्मा। ये याद रखना कि गद्दी वुमन ये ऐसी हैं जिन्होंने कि लुआंचड़ी पहन करके स्केल किया था, इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट आती हैं। अदरवाइज फर्स्ट वुमेन किलिमंजारो को स्केल करने वाली तो कोई और है। तो अंजलि शर्मा ने लुआंचड़ी पहन करके स्केल किया था। वन लाइनर से यहाँ पे फर्स्ट बर्ड सेंसस इन गोविंद सागर लेक इन 2023। गोविंद सागर लेक कहाँ है? आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। किसने किया था ये सबसे पहला बर्ड सेंसस यहाँ पे कैरी? ये किया था आपके बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। और ये जो आपके बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है इनको यहाँ पर मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है इसका एक इन्होंने यहाँ पे सर्वे किया था। नेक्स्ट, पोर्टल स्टार्टेड इन सोलन एंड सिरमौर एंड विच विल गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेटर्नल एंड चाइल्ड वैक्सीन। तो ये आपका यूविन पोर्टल है। देखो, एक है आपका कोविन पोर्टल, कोविन की तर्ज पर ही ये बनाया गया है यूविन। कोविन में तो हम लोगों को पता चलता है कोविड की वैक्सीन के बारे में, और जो यूविन है इसमें चलेगा मेटर्नल जच्चा और बच्चा उनको कितनी वैक्सीनेशन हुई हैं। लेबर रूम से डायरेक्टली भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को मिल सके। पहला डिपार्टमेंट कौन है हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच किया है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, HRTC का जो डिपार्टमेंट है ये इन्होंने सबसे स्विच ओवर किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और ग्रीनर स्टेट, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो टारगेट है हिमाचल प्रदेश में वो कितना है? ये आपका 2026 है। एक बात यहाँ पे याद रखना कि जब तक बजट अनाउंस नहीं हुआ था ये टारगेट रखा था इन्होंने 2025, लेकिन बजट के अनाउंस होने के बाद ये टारगेट हो गया है 2026। तो कई स्टूडेंट्स, कई लोग जो पुरानी वाली वीडियोस देखते हैं बजट से पहले की जहाँ पे 2025 मेंशन किया होता है तो बोलते हैं कि नहीं 2026 है। भाई वो पुरानी वाली है, बजट के बाद ये 26 किया गया है। नेक्स्ट, पीपल हु आर रिकवर्ड फ्रॉम टीबी एंड विल बूस्ट मॉरल ऑफ टीबी पेशेंट, उनको क्या टर्म दी गई है? तो उनको जो टर्म दी गई है उस टर्म का नाम है टीबी चैंपियन। टीबी चैंपियन और निक्षय मित्र, इनके बीच में आप लोग डिफरेंस समझ लो। निक्षय मित्र वो लोग हैं जो फिनेंशियली और इमोशनली न्यूट्रिशनली हेल्प करेंगे टीबी के पेशेंट्स की। लेकिन ये निक्षय मित्र कोई भी हो सकते हैं, इनको टीबी हुआ है नहीं हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फाइनेंशियली इमोशनली और न्यूट्रिशनली सपोर्ट करेंगे टीबी के पेशेंट्स को। लेकिन ये जो आपके टीबी चैंपियन हैं ये वो लोग हैं जिनको खुद को टीबी हुआ था, ये रिकवर हो गए हैं, और जो भी लोग उपचाराधीन हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उन लोगों को ये उनका मॉरल जो है ये बूस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक आउटब्रेक हुआ था ओपन डिफिकेशन और अनसाइंटिफिक माइनिंग से, कहाँ पर हुआ था ये? ओपन डिफिकेशन से और अनसाइंटिफिक माइनिंग की वजह से हुआ था ये जठर शोथ गैस्ट्रिक आउटब्रेक नदौन में। नदौन कहाँ है आपका? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, राइट? राइटर ऑफ अंतरिक्ष सॉन्ग फॉर आजादी सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो। देखो, इसरो ने एक सैटेलाइट बनाया है आज़ादी सैटेलाइट, इसके लिए एक गाना लिखा है, अंतरिक्ष गाना। किसने लिखा है? रमन रघुवंशी ने। रमन रघुवंशी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। देखो, अब आ गई फर्स्ट हिमाचल वुमेन, हिमाचल की पहली ऐसी वुमेन कौन है जिन्होंने कंक्वायर किया है माउंट किलिमंजारो को? तो ये है आपकी रमा ठाकुर, शुरू विलेज मनाली कुल्लू से ये बिलोंग करती है, कुल्लू के मनाली के शुरू विलेज से बिलोंग करती है। और अंजलि शर्मा कौन थी? जिन्होंने लुआंचड़ी पहन करके स्केल किया। पर्सन हु डिस्प्लेड कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स एट एग्जीबिशन इन फ्रैंकफर्ट सिटी जर्मनी। कांगड़ा की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनको जर्मनी में किसने दिखाया था?
तो ये दिखाया था आपके मुकेश धीमान ने। नेक्स्ट, ठाकुर वेदराम अवार्ड किसको दिए गए? ठाकुर वेदराम अवार्ड जो है उन लोगों को दिए जाते हैं जिन लोगों का आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर, जर्नलिज्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में जिन लोगों का स्पेशल कंट्रीब्यूशन है उन लोगों को ये ठाकुर वेदराम अवार्ड दिए जाते हैं। जो भुटिको है, भुटिको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, हैंडलूम का एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। भुटिको के फाउंडर थे ये वेदराम ठाकुर और इन्हीं के नाम पर ही अवार्ड्स दिए जाते हैं। अप्रैल 2023 में ये अवार्ड दिए गए थे। नेक्स्ट, सखी स्कीम इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो ये जो आपकी सखी स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला जो 24/7 हिमाचल चैनल है, हिमाचल प्रदेश के लिए जो चैनल है, उसे किसने लॉन्च किया था? तो ये आपका लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किसने? यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने। पहला 24/7 हिमाचल का चैनल। हिमाचल को बेस्ट स्टेट अवार्ड और जीएसपी गोल्ड पार्टनर मिला है फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। किस प्रोग्राम के तहत ये मिला है? तो ये इनको मिला है ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट, उत्तराखंड स्टेट सीड और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी ने किस स्टेट की वुमन को, किस डिस्ट्रिक्ट की जो वूल है, ऊन है, उसको ऑर्गेनिक करार दिया है? तो ये दिया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। अब देखो, कांगड़ा में यहाँ जो शेपर्ड्स लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात हो गई ये, बिकॉज जो वूल है अब उसको टैग मिल गया है ऑर्गेनिक का। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस चीज़ के ऊपर ऑर्गेनिक का टैग लगता है उस चीज़ को ज़्यादा रुपए मिलते हैं। घर पे भी आप देखो, सब्जी लेने जाओगे तो सब्जी जो है नॉर्मल सब्जी कम रेट की मिलती है, लिखा होगा अगर ऑर्गेनिक सब्जी तो उसके रेट्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐप लॉन्च्ड बाय सीएम सुक्खू टू एंश्योर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कौन सी ऐसी ऐप है जिसे हमारे सीएम सुक्खू ने लॉन्च किया है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जाए प्रॉपर तरीके से? तो ये है आपकी हिमविक स्कीम। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट और ओनली गवर्नमेंट रन डी एडिक्शन सेंटर वुमन के लिए कहाँ पर है? तो ये आपका भुंतर में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश का ओनली इकलौता डी एडिक्शन सेंटर वुमन के लिए। एज पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय नीति आयोग चंबा गेट्स। नीति आयोग ने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को शुरू किया है। हमारा जो चंबा है वो भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। अभी हाल ही में इसको कितने रुपए की ग्रांट मिली थी? तो हाल ही में इसको जो ग्रांट मिली थी वो मिली थी 11 करोड़ रुपए की। कॉस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश का जो शिवा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1292 करोड़। आए दिन न्यूज़ में आता रहता है 1292 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट है एचपी शिवा प्रोजेक्ट की। 7 डिस्ट्रिक्ट में फेज़ 1 में इंप्लीमेंट किया जाएगा। न्यूज़ में इसीलिए आया था बिकॉज इसके लिए जो 257 क्लस्टर्स हैं फेज़ 1 के लिए उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। फेज़ 2 के लिए अभी जो क्लस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। शिवा प्रोजेक्ट बागवानी का हमारा ये कहता है कि वैसे तो जो मेन फ्रूट है हमारे हिमाचल प्रदेश में वो एप्पल है जिसको हम ग्रो करते हैं, लेकिन एप्पल के साथ साथ अनदर फ्रूट्स को भी ग्रो करवाया जाएगा कमर्शियल स्केल पे। तो ये फ्रूट्स हैं आपके लीची हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स। काउ सेस ऑन लिक्विड बॉटल। अब देखो, अभी हमारा जो बजट पास किया गया था इसमें नए सेस जो है वो लगाए गए हैं। एक तो इसमें आ गया काउ सेस जो है वो कितना लगाया गया है? 10 रुपये प्रति लिक्विड बॉटल। शराब की एक बोतल पे 10 रुपये का काउ सेस लगाया गया है। सेकंड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में जो विधवाएं हैं उनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये जो 1.5 लाख रुपए है वो किस स्कीम के अंतर्गत इनको दिए जाएंगे? तो ये स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री विधवा एवं नारी आवास योजना। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए कितना बजट रखा गया है? तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए जो बजट है
वो रखा गया है आपके 200 करोड़ रुपए का। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी हु विल गेट 1500 पर मंथ, ये 2.31 लाख है। आप लोगों को सबको पता होगा जो महिलाएं हैं उनसे प्रॉमिस किया गया था कि 18 से 59 इयर्स की एज में जो आप लोग हैं आप लोगों को हर माह सब महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपये। लेकिन फिर जब बाद में बोला कि छंटनी की जाएगी और छंटनी करके जो फर्स्ट फेज के लिए महिलाएं निकाली गई हैं लाभार्थी महिलाएं वो हैं 2.31 लाख। बजट एलोकेटेड टू हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट दिया गया है 3139 करोड़ रुपए। एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना बजट रखा गया है, एजुकेशन सेक्टर के लिए जो बजट रखा गया है वो है 8828 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर लगाया गया है, तो जो ये हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन है वो बनाया गया है आपके डिस्ट्रिक्ट पालमपुर में। ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो ग्रोथ रेट है वो कितना है 6.4% है, डिक्रीज है प्रीवियस ईयर से। नेक्स्ट है प्राइज मनी ऑफ महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार, महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार का जो प्राइज मनी है वो कितना है, तो ये अब कर दिया है 1 लाख रुपए। पहले ये जो प्राइज मनी था वो आपका 21,000 रुपए था, लेकिन अब इसको कितना किया गया है 1 लाख रुपए। बायो एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। बायो एनर्जी जो टर्म है उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कुछ एक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जिनसे हम एनर्जी को निकालेंगे, जैसे कि चीड़ की पत्तियाँ हो गई, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इन सब चीज़ों से अपन हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, हमको फ्यूल प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैं उनके साथ एमओयू साइन किया है, कोलैबोरेट किया है। थीम अंडर विच नाटी वॉज शोकेस्ड एट शाइनिंग हिमाचल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन, कनाडा में पहली बार नाटी को शो किया, नाटी को दिखाया गया था, और किस थीम के अंतर्गत ये दिखाई गई थी, हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन के द्वारा। तो इस स्कीम का नाम है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इस स्कीम को दिखाया गया था। मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट विल बी ओपन्ड इन, अब देखो जो मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसा कहा गया है कि हर एक विधानसभा में बनाए जाएंगे ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो 68 ही होंगे, ठीक है, ताकि जो जैसे कि हम लोगों को पता है डिपेंडेंसी हो गई है हमारी हिमाचल प्रदेश में, आपको थोड़ा सी बड़ी बीमारी का इलाज कराना है कहाँ जाते हो, IGMC में जाओगे, टांडा में जाओगे, नहीं तो फिर हम PGI चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मॉडल जो ये मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं इनको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खोला जाएगा और वहाँ पर भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि आप लोगों को और जगह पर या फिर जोनल हॉस्पिटल्स हैं यहाँ जाने की ज़रूरत कम पड़े, ऐसा नहीं होगा कि पड़ेगी नहीं, कम पड़ेगी। पिपलू फेयर तीन का डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है, कहाँ पर शुरू किया गया है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में। नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो यही है आपके जस्टिस मम्मी दाना सत्याराना रामचंद्र राव, MS राव। नेक्स्ट, किस नेशनल पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर को खोला गया, सैंज वैली में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। 4 घाटियों में ये फैला हुआ है जिनमें एक आ गई आपकी सैंज वैली, दूसरी आ गई तिरदन वैली, जीवानल वैली, फोर्थ कौन सी आ गई, पार्वती वैली, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमारा 4 घाटियों में फैला हुआ है। व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर जो 16 करोड़ रुपए का खोला जाएगा वो कहाँ पर खोला जाएगा, तो ये आपका व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर है ये बद्दी में खोला जाएगा, सिर्फ जो मैकेनिकली फिट व्हीकल्स हैं उनको एंट्री दी जाएगी हिमाचल में। शूलिनी यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड ग्रैंड जूरी इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग्स 23-24 में एग्जेम्पलरी रिसर्च में कौन सा रैंक मिला है, तो इनको मिला है आपका यहाँ पे 2nd रैंक। ₹500 करोड़ का जो बजट प्रपोजल है वो भेजा गया है ताकि जो इको टूरिज्म है उसको डेवलप किया जा सके, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल स्पीति में। लगभग 50,000 केसेस को रिजॉल्व करने के लिए जो रिलेटेड है आपके वैल्यू एडेड टैक्स से और सेंट्रल सेल्स टैक्स से, इसके लिए एक नई स्कीम को ओपन किया गया है, लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, सद्भावना केसेस लिगेसी रेजोल्यूशन स्कीम।
शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 110 मेगावाट। अब देखो जो शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आजकल बहुत न्यूज़ में चला हुआ है जून में, अब ये क्यों भैया, इसकी मार्च 2024 में लीज का पीरियड ख़त्म होने वाला है। HP की गवर्नमेंट कह रही है तुम इसको हमको दे दो पंजाब, ठीक है, पंजाब वाले को बोल रही, पंजाब की गवर्नमेंट संभालती है ना इसका कामकाज अभी, ठीक है, तो HP वाले बोल रहे तुम इसको हमको दे दो, पंजाब वाले बोल रहे नहीं भी हम नहीं देंगे, क्यों, इनको तो यहाँ से 300-400 करोड़ रुपये मिलता है हर साल, तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इनको ये कह रही है कि भाई तुम लोग मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो। तो अब पंजाब की जो गवर्नमेंट है, आज ही मैंने ये न्यूज़ में पढ़ा है, पंजाब की गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है कि ताकि जो शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी मेंटेनेंस की जा सके। तो ये थे आपके कुल टोटल 6 मंथ्स के करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें भी अगर कुछ एक बचती हैं चीज़ें, बच जाती हैं वैसे तो थोड़ी बहुत, उनको हम नेक्स्ट पार्ट भी में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिमाचल क्रॉनिकल को, जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।